बोरवेल आप लोग देख सकते हैं। तो ये है टेक्समो की तरफ से 2 HP 16 स्टेज का मोटर। सीरियल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, मॉडल नंबर देखना होगा तो। ये रहेगा कि इसमें लगा हुआ है यहाँ पे, ये पहले पानी डाल देते हैं, भूल। उतना भी वजन नहीं है जितना एक्टिंग कर रहा। चलो भाई उठाओ, चलो डालते हैं। कल जो बारिश हुआ उसके कारण लाइट अभी गांव में गोल है, जिसके कारण पानी भी आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त प्रेशर है। आज हम लोग फिर से एक मोटर डालने वाले जो कि 2 HP का होगा, जो खेती बाड़ी में काम आएगा। ये सब जितना भी ये देख रहे हैं आप लोग, सब को पटाने का काम आता है इसी बोरवेल से। और इसी बोरवेल में जो हम मोटर डालेंगे उसी मोटर से हम लोग ये सब में सारा पटाने का काम आएगा, जो कि 6 इंच का बोरवेल है। आप लोग को भी थोड़ा सा खोल के इसको दिखा देते हैं हम। खुल जा सिम सिम बोरवेल, आप लोग देख सकते हैं पानी भी ज़्यादा दूर नहीं है, 30 से 35 फीट का पानी है। बहुत नीचे हाँ, 40 से 45 फीट में है। 40 हाँ 8 इंच का बोरिंग। तो ये हो गया बोरिंग, और ये हो गया इतना जो पानी इसमें पटाने का, जो जितना खेत दिख रहा है आप लोगों। तो आइए मोटर भी आप लोगों को दिखाते हैं, कौन सा मोटर हम लगाने वाले हैं इस बार। और इस मोटर में एक खासियत है कि ये पंप जो है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला पंप है, ताकि इसमें जो डिस्चार्ज होल है इसका बड़ा दिया हुआ है, ताकि पानी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा और स्पीड से करता है इसमें। ये सब जा रहे जो पाइप है हम लोग का, जो कि बोरवेल के साथ में अंदर में जाएगा पाइप, इसमें पहले भी लगा हुआ था। तो पाइप भी आप लोग को दिखा देते हैं कौन सा है। यहाँ पे आप लोग एक नज़र, अपोलो का पाइप लगा हुआ है, साइज भी देख सकते हैं यहाँ पे, और कैपेसिटी भी देख सकते हैं प्रेशर इसका कितना है। डिलीवरी प्रेशर के कैपेसिटी 15 kg cm², ठीक है। और आप लोगों को वायर भी दिखा देते हैं, जैसा यहाँ पे वायर है, आप लोगों को वायर दिखाते हैं। किरण केबल हम यूज कर रहे हैं 4 mm का, जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 4 mm स्क्वायर, ठीक है। आइए तो बात करते हैं मोटर का। तो ये है टेक्समो की तरफ से 2 HP 16 स्टेज का मोटर, वाटर कूल है। और इसका डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीरियल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, मॉडल नंबर देखना होगा तो। आप लोग जिसको भी चाहिए होगा तो उस हिसाब से, मॉडल नंबर के हिसाब से आप लोग मोटर सर्च करके देख सकते हैं। और बात करें तो ये भी हो गया 2 HP का और 16 स्टेज का है। इसको हम लोग मोटा मोटी डालेंगे अभी 270 फीट पर डालेंगे। कैपेसिटी की बात करें तो 350 फीट तक आराम से इसको डाल सकते हैं। और अब अंदर से भी खोल के देख लेते हैं कि किस टाइप का बिल्ड क्वालिटी है इसका। हाँ, सिंगल फेज मोटर है वाटर कूल में। और इसको देखिए, खोल के भी देख लेते हैं कैसा है इसका अंदर का है। ये इसका मोटर आप लोगों को बाहर निकाल के एक बार दिखा देते हैं, जो कि काफी ज्यादा वजन है। मोटर इतना ज्यादा हैवी है, इसके कारण बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। ये रहा इसका मोटर, वारंटी कार्ड साल भर के लिए। इसके साथ थोड़ा सा वायर भी है, जो कि कितना लंबा है। इसके साथ जो लीड वायर निकला हुआ है वो 2.5 mm का है, यहाँ पे आप लोगों को 2.5 mm देखने के लिए मिल जाएगा। पर हम लोग इसके साथ जो एक्स्ट्रा वायर लग रहा है उसको 4 mm यूज करेंगे, जैसा कि पहले भी दिखाया आप लोगों को 4 mm यूज कर रहे हैं किरण केबल का। वायर का लेंथ भी हम लोग देख लेते हैं कितना लेंथ है। इसमें एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है, ये थ्रेड वाला लॉक पिन नहीं है इसमें।
लॉक पिन जैसे नॉर्मल वाला जो पंप होता है उसमें लॉक पिन होता है, इसमें लॉक पिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें कुछ अलग रहेगा जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें हम, कि इसमें आपको थ्रेड वाला देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ये थ्रेड वाला सिस्टम मिलेगा देखने के लिए ऐसे। तो ये रहा पूरा बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है। अब ये रहा इसमें पानी भरने का हॉल, जो कि यहाँ पे पानी भरा गया यहाँ साथ में इस दोनों में से। पंप भी आप लोगों को खोल के दिखा देते हैं, इसका बिल्ड क्वालिटी भी देखना जरूरी है। किचन झटका स्विच बस, ये पंप आप देख सकते हैं 16 स्टेज का पंप है। इसका डिस्चार्ज होल भी आप लोगों को दिखा देते हैं कितना दिया हुआ है इसमें। इसमें डिस्चार्ज होल का बात करें तो ये डिस्चार्ज होल दिया हुआ है इतना 1.5 इंच का। साथ में आप लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पे NRB लगा हुआ है, यहाँ पे ये NRB पानी को होल्ड करके रखने के लिए। तो चलिए मोटर को चेक करते हैं, पंप को सेट करते हैं, उसके बाद इसका प्रेशर चेक करते हैं कि कैसा प्रेशर देता है साथ में। जैसा कि वाटर कूल है तो पानी तो डालना कंपलसरी है, चेक करने से पहले हम सबसे पहले पानी डाल देते हैं, कहीं भूल जाए बाद में बिना मतलब का, उसके बाद प्रॉब्लम कर जाएगा मोटर में। सबसे पहले पानी हम डाल लेते हैं, उसके बाद मोटर चेक करते हैं, उसके बाद पंप उतारते हैं। तो ये पानी देखते हैं कितना ले रहा है, इसमें तो लगभग 1 लीटर पानी था। अब यहाँ पे निर्मल जल डाल रहा है जो हम लोग झारखंड में मिलता है रांची में, बहुत ही 40,000 का पानी है, विराट कोहली पीता है इसको। यहाँ पे भी पहले टेक्समो का मोटर लगा था, लगभग 6-7 साल पहले हो गया जब हम इसको इंस्टॉल किए थे। तो अभी मोटर में मेजर प्रॉब्लम आ गया है, तो मेजर प्रॉब्लम आया है तो अभी इसको रिपेयर करने में मोटा मोटी 1 से 2 दिन टाइम लग जाएगा। और अभी ये लोग रुक नहीं सकते क्योंकि इतना सारा इन लोगों का बारी झारी का काम पड़ा हुआ रहता है खेती बाड़ी का, तो ये लोग रुक नहीं सकते। तो मोटर को हम लोग बाद में रिपेयर करेंगे, इस तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे अभी नया मोटर डाल रहे हैं। ये भी टेक्समो का 1.5 HP है, नहीं 2 HP है 12 स्टेज का, और ये अभी हम लोग डाल दे रहे हैं कि 2 HP 16 स्टेज। तो दोनों में इसमें तो पावर बढ़ जाएगा। अभी उसके बाद ये मोटर जब रिपेयर होगा तो स्टॉक में मोटर अभी बंद करके रखा रहेगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगा तो ये भी लगेगा बाद में इसमें। तो इसके कारण हम लोग सिर्फ मोटर लेके आया है, अभी अपन लोग देख रहे हैं कि केवल मोटर है। स्टार्टर ये पहले का उसका जो था, स्टार्टर पहले का अभी भी है, तो स्टार्टर है अभी भी। और तो मोटर के साथ केवल ये स्टेबलाइजर आया इस बार, क्योंकि वोल्टेज का प्रॉब्लम होता था, ये लोग हमेशा जब मन तब मोटर चालू नहीं कर सकता था, कभी वोल्टेज रहता तो चालू होता तो कभी नहीं होता। तो इस बार क्या बोले कि इस बार स्टेबलाइजर भी दे दीजिए, जब मोटर चालू करने का मन होगा चालू कर लेंगे। स्टार्टर तो कनेक्शन कर लिया हम लोग टेम्प्रेरी, अभी वायर तो पहले से चल रहा था, वायर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम वायर अभी कनेक्ट नहीं किए हैं। तो इसको कनेक्ट करके हम लोग मोटर को चेक कर लेते हैं कितना एम्पीयर ले रहा है ओपन में। ए भाई लग जाना, तो वोल्टेज भी एक बार हम लोग चेक लेंगे, 210। तार पकड़ना मोटर का एम्पीयर यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एम्पीयर जैसा कि देख सकते हैं आप 7.8 एम्पीयर, अब वोल्टेज 196। तो मोटर तो चेक हो गया हम लोग का, अब पंप और मोटर को साथ में अटैच करते हैं और बोरवेल में उतार के देखते हैं। ला पंप ला बैठाओ, इसमें अटैच करते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करना, हल्का सा एकदम, बस चलो हो गया। पंप बैठाने के बाद साथ में जो इसका नट्स आता है 3-4 पीस 13 नंबर का, प्लस माइनस में फुल टाइट करने के बाद आपको फिल्टर
और वायर गार्ड जो वायर गार्ड है साथ में, और फिल्टर को लगा देना है साथ में। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है, देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होल बच जाता है, इसलिए ये सब को भी आप लोगों को टेप से कवर कर देना, क्योंकि बहुत सारा रिस्क रहता है इसमें से कंकड़ अंदर जाने का। अंदर जाएगा इंपेलर में फंस जाएगा, मोटर बंद पड़ जाता है फिर उसके बाद। हाँ, तो वजन तो इतना भयानक है कि उतना भी वजन नहीं है जितना एक्टिंग कर रहा। रुक रुक रुक, ये है भाई, उतना भी हल्का नहीं है। हाँ हाँ, थक के चूर हो गए। देख फास मत तार में रखो, पहले तार उसको। कल हम लोग मोटर को असेंबल करते करते बारिश हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग को कल काम रोकना पड़ा। आज हम लोग फिर सेकेंड दिन आए हैं इस मोटर को डालने के लिए, तो जब और कल कुछ तार में भी फॉल्ट था, जो कि जो पुराना तार था उसको हम रिजेक्ट कर दिया, साइड में कर दिया, और आज उसी के साथ ही हम लोग नया भी तार लेके आ गए हैं और अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप लोगों को प्रेशर भी दिखा देते हैं साथ में, बीच में एक बार चालू करके देखेंगे, उसके बाद फाइनल आप लोगों को चालू करके दिखा देंगे। चलो चलो भाई उठाओ, चलो डालते हैं। छोड़ दो, बोरा डालो, बोरा दे दो, थोड़ी थोड़ी तरह से। तो अभी तो पहला दूसरा पाइप हम लोग का जा रहा है, बाकी जितना पाइप देख रहे हैं आप लोग गाड़ी में अभी लगा हुआ है, सारा पाइप को भी हम लोग उतारते हैं, उसके बाद आप लोग को फाइनल प्रेशर दिखाते हैं कैसा अभी मोटर का परफॉर्मेंस है। अभी तो कल जो बारिश हुआ उसके कारण लाइट अभी गांव में गोल है, जिसके कारण अभी जनरेटर आया हुआ है, तो इसको भी कनेक्शन करके जल्दी से हम लोग मोटर को ऑन करते हैं। उधर 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 जनरेटर इधर चल रहा, पानी इधर चल रहा, बाप रे पूरा गाड़ी हिला दे रहा। तो जनरेटर तो जनरेटर आया, मोटर भी हम लोग चालू किए, तो 14 एम्पीयर ले रहा था, 218 17 वोल्टेज दे रहा था, पानी भी एक नंबर उठाया। तो बाकी का जितना पाइप अभी बचा हुआ, तीन या चार पाइप बचा हुआ, वो लोगों को भी अभी डाल के फाइनल लास्ट में चालू करते हैं। देख राशि कितना है एक्स्ट्रा, रख दीजिए। मोटर कंप्लीट चालू हो गया, मोटर भी स्टार्ट हो रहा है अभी, उसके बाद हाँ ऑन करो। हाँ सही, मोटर भी चालू हो गया है, ऐसा पानी भी आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त प्रेशर है। पानी का बहुत किल्लत है,
चला हो गया। ड्राम को सीधा रखो, ड्राम को सीधा रखो, ड्राम को सीधा करो, ड्राम को करना है ना।